बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज एक लेटेस्ट न्यूज़ बच्चों के लिए लेकर मैं आया हूँ। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पंजाब में सर्दियों की छुट्टियाँ करवाने जा रहे हैं। जैसा कि सर्दियों की छुट्टियों लास्ट टाइम भी उन्होंने दो हिस्सों के अंदर तकसीम की थी, इस साल भी सर्दियों की छुट्टियों को दो हिस्सों के अंदर तकसीम किया जा रहा है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ज़राए के मुताबिक ये पता चला है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पंजाब में 23 दिसंबर से लेकर 3 जनवरी तक समर वेकेशन देने जा रहा है कुछ ज़िला में, और कुछ ज़िला में 3 जनवरी से लेके 16 जनवरी तक या फिर 15 जनवरी तक छुट्टियाँ देने जा रहे हैं। ये कन्फर्म न्यूज़ नहीं है, लेकिन ज़राए से पता चला है कि इस दफ़ा भी वही रूटीन जो जारी रहेगी जो कि पिछले साल रूटीन थी, कि छुट्टियों को दो फेज़ के अंदर तकसीम किया गया था। तो इस दफ़ा भी जिन इलाकों के अंदर सर्दी पहले आती है उनको पहले छुट्टी दी जाएगी, और जिन इलाकों के अंदर सर्दी बाद में आती है उनको बाद में छुट्टियाँ दी जाएगी, ना कि एक ही दफ़ा सबको छुट्टी दी जाएगी। ये कन्फर्म न्यूज़ नहीं है, ना नोटिफिकेशन जारी हुआ है, लेकिन ज़राए के मुताबिक ये पता चला है कि सर्दियों की छुट्टियाँ 23 से 6 जनवरी तक और 6 जनवरी से 16 जनवरी तक होने जा रही है। यूँ ही कन्फर्म न्यूज़ आएगी, नोटिफिकेशन आएगा तो हम आपको जल्द ही उसके ऊपर आगाह कर देंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।